इसराइल गए थे चाइना होते हुए अभी नरेंद्र मोदी चाइना होते हुए इसराइल गए थे अब इसराइल के चारों तरफ सब दुश्मन देश है और वहां से नरेंद्र मोदी को विमान अंदर ले जाना था, ठीक है। अब इधर जा रहे थे यहूदी देश के लिए, इसराइल के लिए जा रहे थे मोदी, और चारों तरफ मुस्लिम देश, किसी ने भी मस्ती कर ली, एक आदमी भी मिसाइल छोड़ दी तो मोदी का इसराइल का दोनों का काम वहीं तमाम हो जाएगा। जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इसराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इसराइल के मेहमान है, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। ख्वाम कहीं कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों में तुम लोग राख के सिवाय किसी रूप में देखने को नहीं मिलोगे। जितने आसपास के देश थे ना, देश थे दुश्मन देश, सबके सब कर गए, सबको हुआ कि अब कुछ भी हुआ तो अपने माथे पे ही आएगा। तो देखिए आप, जैसा आप लोगों ने शायद बराबर नहीं देखा होगा, मैंने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा, ये मोदी का वायुसेना का विमान, इधर इसराइल का एक विमान, इधर इसराइल का दूसरा विमान, इधर इसराइल का तीसरा विमान, इधर इसराइल का चौथा विमान, इधर इसराइल का पांचवा विमान, इधर इसराइल का छठा विमान, अब उसके पास में इसराइल के दुश्मन देशों के विमान, सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को बराबर जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मरा तो अपने सब मरे, एक जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं हुआ कि दुश्मन दुश्मन की सेवा में लगे, दुश्मन दुश्मन की सेवा में लगे। इस प्रकार ऐसे ओज, ऐसा सत्व, ऐसी निष्ठा खड़ी करनी पड़ती है। नमस्कार।